At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। 12 मार्च को फिर सीतापुर के उस नेता को याद किया जाएगा जो सहकारिता की राजनीति का किंग मेकर हुआ करता था, जो एक बार जिला पंचायत का सदस्य बना तो फिर कभी हारा ही नहीं। वह जिला पंचायत का अध्यक्ष खुद भी रहा और जिसको चाहा उसको उस कुर्सी पर बिठाने में कामयाब रहा। फिर चाहे सत्ता से क्यों ना मुकाबला हुआ हो, जीत उसी जमीनी नेता की मनसा की हुई। यह ऐसा इकलौता नेता जो खुद सांसद नहीं बन सका लेकिन अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा को 6 बार विधानसभा भेजने में सफल रहा। वह जिस दल में रहा उस दल के मुख्यमंत्री उसकी कार्यशैली के कायल रहे। उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों को महमूदाबाद बुलाकर अपनी जनशक्ति का एहसास कराया। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं महमूदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे सीतापुर की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की, जो भले ही अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी राजनीति का लोहा आज भी लोग मानते हैं। स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की दूसरी पुण्यतिथि 12 मार्च को मनाई जाएगी। प्रथम पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित आसपास के जनपदों के तमाम नेता उन्हें नमन करने और प्रतिमा का अनावरण करने के लिए उनके पैतृक गांव पोखरा कला पहुंचे थे। दूसरी पुण्यतिथि पर उनको चाहने वाले ग्राम पोखरा कला में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुण्यतिथि पर हवन का आयोजन भी किया गया है। बताते चलें कि राजनीति का चमकता यह सूरज 12 मार्च 2022 को हमेशा के लिए अस्त हो गया। महमूदाबाद तहसील थाना सदरपुर क्षेत्र के पोखरा कला गांव निवासी महेंद्र सिंह वर्मा जिले के प्रभावशाली नेताओं में शुमार किए जाते थे। अपनी व्यूह रचना से कई बार उन्होंने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी थी। सत्ता से टकराकर विजयश्री हासिल करना उन्हें बखूबी आता था। वर्ष 2000 में उन्होंने जिले के दिग्गज नेताओं को हराकर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर कब्जा कर सीतापुर में हलचल मचा दी थी। माना जाता है कि अपनी दमदार छवि के दम पर महेंद्र सिंह वर्मा ने पहले चीनी मिल के डायरेक्टर, फिर 1989 में अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा को महमूदाबाद का ब्लॉक प्रमुख बनाकर राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इसके बाद 1991 और 1993 में अपने दम पर छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा को भाजपा से विधायक बनवाया। उनके छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा मौजूदा समय सपा के वरिष्ठ नेता हैं और 6 बार के विधायक रहे हैं। सपा सरकार में वह मंत्री भी रहे हैं। छोटे भाई से अत्यधिक स्नेह करने वाले महेंद्र सिंह वर्मा ने 12 मार्च 2022 को सुबह मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। महेंद्र सिंह वर्मा समाजवादी पार्टी सरकार में पशुधन विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे। महेंद्र सिंह वर्मा ने एक बार समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पर उन्होंने राजनीति में अपनी दखलंदाजी बरकरार रखी। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, MLC के जिले में होने वाले चुनाव में महेंद्र सिंह वर्मा खासा दखल ही नहीं रखते थे बल्कि किंग मेकर माने जाते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल के बल पर एक समय अपनी पार्टी द्वारा तय किए गए जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के विरुद्ध जाकर अजय भार्गव को जिला पंचायत की कुर्सी पर आसीन करा दिया तो राजनीति के कई महारथी चौकन्ने रह गए थे। मुंह पर बेलाग बात करने के लिए उन्हें जाना जाता था। महेंद्र सिंह वर्मा अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं का पूरी तरह ध्यान रखते थे। उनके सुख दुख में हर तरह साथ रहने की उनकी विशेष खूबी थी। यही वजह थी
कि उनके अंतिम संस्कार में उनके चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा था। महेंद्र सिंह वर्मा की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में समाजवादी पार्टी के जनपद स्तरीय वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं के अलावा क्षेत्र के तमाम संभ्रांत जन शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की पत्नी विजया वर्मा, बेटा उत्कर्ष सिंह वर्मा, दामाद राजेश चौधरी, डॉक्टर सुशील वर्मा, बेटी कोपल चौधरी, प्रियंका वर्मा, आकांक्षा वर्मा, डॉक्टर नूपुर वर्मा, तुलिका वर्मा, विवेक सिंह वर्मा, अजीत सिंह वर्मा, ब्रजेश वर्मा सहित क्षेत्रवासी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सीतापुर की शान एवं किसानों, मजदूरों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ इसमत शेष महेंद्र सिंह वर्मा की दूसरी पुण्यतिथि पर आई इंडिया उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।